कि आज हमारे सामने सतीश कुमार सर बैठे हुए हैं, जो कि फिरोज गांधी कॉलेज से मैथमेटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पर हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को दिया। तो वेलकम टू माय चैनल सर। धन्यवाद, सबको नमस्कार। तो जैसे कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पर आप हैं, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर की मदद से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस लाइन पर जाना चाहते हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस के इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हम आपसे पूछेंगे, तो आपकी वजह से उन सबको एक हेल्प मिलेगी, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहली बात तो आपका पीजी होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से, जैसे मेरा कि मैथमेटिक्स है। जी उसके सर, बाद आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई करके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या आप पीएचडी करके भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दो में से कोई एक कम से कम होना चाहिए, या आप दोनों भी हैं। जैसे कुछ लोग नेट क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी करते हैं, तो दो में से कोई एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसका एग्जाम देके आप असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो सर इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कहाँ कहाँ भर सकते हैं सर? जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एक तो यूनिवर्सिटीज में होते हैं, दूसरा यूनिवर्सिटीज के कुछ कॉलेजेस जो होते हैं उनमें मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एक आयोग है यूपीएचएससी, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, तो वो अपना विज्ञापन जारी करती है। जैसे जो मेरा हुआ है एडवर्टीजमेंट 50 में हुआ था, अभी एडवर्टीजमेंट 51 आया है जिसका अभी भी एप्लीकेशन चल रहा है। तो आप उसके लिए, अगर आप एलिजिबल हैं, आप नेट क्वालिफाइड हैं किसी सब्जेक्ट से, आपका पीएचडी है, तो आप उसके लिए अप्लाई करके, इसमें दो स्टेजेस होते हैं। एक रिटर्न एग्जाम होता है, अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू देने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपको ये जॉब दे दी जाती है। जी सर, तो और अभी इसका असिस्टेंट एप्लीकेशन प्रोफेसर, चल रहा है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए तो पहले, जैसे मैंने बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका पहले तो आप यूजी करेंगे कि बीएससी बीए, उसके बाद पीजी करेंगे, एमए एमएससी, और उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई हैं, आप पीएचडी हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि सर इसमें हम रिटर्न एग्जाम होता है, तो रिटर्न एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो आपने कैसे की? रिटर्न एग्जाम के लिए देखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जीएस का, और दूसरा होता है आप जिस सब्जेक्ट से करना चाह आपका जो सब्जेक्ट है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स था, तो एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, जी सर, 100 में से 30 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, और 70 क्वेश्चन होता है आपके का। जैसे मेरा मैथमेटिक्स है, तो एक पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 30 जीएस के क्वेश्चन होंगे। जीएस में भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे इसमें 4 सेक्शन है जीएस में। जैसे आपका आएगा कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी का आता है, आईसीटी जो कंप्यूटर वाला पोर्शन होता है, पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी, इतना सारा ये होता है पोर्शन जीएस का। तो इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, और फिर 70 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के हैं। जैसे मेरा मैथमेटिक्स है, तो 70 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, और इस तरह करके पूरा 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन होता है टोटल 200 मार्क्स का। तो ये 2 घंटे का एग्जाम होता है, और आप रिटर्न एग्जाम देंगे तो इसमें 3 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जितनी सीट है, जैसे मान लीजिए 50 सीट है किसी सब्जेक्ट में, तो उसके हिसाब से 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, फिर रिटेन आपका 200 मार्क्स का, उसमें आपने जितना सिक्योर किया प्लस 30 में से आपका इंटरव्यू में जितना आपने सिक्योर किया, दोनों को मिला के मेरिट बनती है। और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका दोनों को ऐड करने के बाद जो भी मेरिट बनती है उसमें, जैसे 50 सीट है तो 50 सीट के हिसाब से आपको 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, और फिर आपको कॉलेज अलाट किया जाता है उसी के बेसिस पे। ठीक है सर, तो जैसे कि रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू होता है, जैसे कि आपने पूरा एक
प्रोसेस बताया कि रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है ना? हाँ ठीक ठीक है। तो जैसे कि अगर इंटरव्यू होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी इंटरव्यू की? आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट में थोड़ा पकड़ होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, बाकी ये वहाँ पे पैनल में मेंबर हैं, दो तीन मेंबर होते हैं आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के, एक बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो वैसे कोई बाउंडेशन नहीं हो, आपसे कुछ इधर उधर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे आप टीचिंग, जैसे इस बार क्या था, कई लोगों से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया, तो आप क्योंकि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जॉब में जाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और जीएस करंट अफेयर के बारे में कुछ, करंट इशू जो भी चल रहे हैं, करंट के मुद्दे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जैसे हमारा मैथमेटिक्स था तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, एकाध क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कुछ जीएस या करंट से पूछे जा सकते हैं बस। तो आप अपना सब्जेक्ट पे ही इंटरव्यू के लिए फोकस करिए, मतलब जो आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है उस पे आप ज्यादा ध्यान दें। हाँ, आपका सब्जेक्ट ही है नेम जी। ठीक है, तो जैसे कि जब किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता हो तो उस टाइम क्या करना चाहिए? जैसे इंटरव्यू हो रहा है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। नहीं तो देखिए, आप कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि आप 100% वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसके जवाब दे पाए। आपको जो पहली बात तो एक चीज ये होता है कि आपको उसमें चॉइस दी जाती है। अब जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट है उसके बहुत सारे, बहुत ब्रॉड होता है, बहुत सारे एरियाज होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, इंटरव्यू में आपको ये इस चीज की फ्रीडम दी जाती है कि आप किस टॉपिक पे इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। या हो सकता है आपसे ये भी कहा जाए कि आप कुछ पढ़ाइए, डेमो दीजिए हमको, तो अपना एक कोई टॉपिक तैयार करके जाइए, अपना एक टॉपिक तैयार कर लीजिए उस पे इंटरव्यू दीजिए, या कोई आप डेमो के लिए कह रहे हैं कि हाँ आप कुछ पढ़ाइए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तो आप एक 5-10 मिनट का लेक्चर तैयार कर लीजिए। तो जैसे मेरा, मैं अपना बताऊं कि मुझे तो बोला गया था कि हाँ आप कुछ पढ़ाइए, अपना डेमो दीजिए, तो मैं अपना एक टॉपिक तैयार करके गया था, तो मैं उसी को अपना बोर्ड था, बोर्ड पे पढ़ाया, तो उसी से क्वेश्चन पूछे। फिर आप उससे रिलेटेड हो इधर उधर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपसे कुछ और पूछ सकते हैं कि हाँ आप इसके अलावा और किस टॉपिक पे इंटरव्यू देना चाहते हैं और क्या पढ़ के आए हैं। तो एक दो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए जिसपे आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए और उससे जो भी क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब दे पाए। तो ये चीज होती है कि आपको इस चीज की फ्रीडम दी जाती है कि आप किस टॉपिक पे इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी पूछने लगेंगे। अब फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं आ रहा है, पहली बात तो आप कोशिश करिए कि जो भी पूछा जा रहा है एकदम, हाँ मतलब जवाब दीजिए, लेकिन गलत जवाब मत दीजिए, नहीं आ रहा तो उनसे बोलिए कि हाँ सर ये नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या वो अपने से कोई क्वेश्चन पूछ लिए जो आप टॉपिक पढ़ के नहीं गए हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ सर अभी ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो आप दूसरा क्वेश्चन या दूसरे टॉपिक से पूछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत है। तो जैसा कि आप किसी कोई इंटरव्यू में जाता है तो अपना कोई एक वो टॉपिक तैयार कर ले जिसपे वो अच्छे से, हाँ एक या दो टॉपिक कम से कम तैयार कर ले जिससे वो अच्छे से पढ़ा सके। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई उसने क्वेश्चन पूछा है अगर आपको नहीं आता है तो कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है वहाँ पर। नहीं, आप कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, आप नहीं आ रहा तो बोल दीजिए कि हाँ हमको नहीं आ रहा, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो ठीक है सर, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे हमारे हिसाब से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, वो समाप्त हो चुके हैं। तो जैसे कि आप अपनी तरफ से कोई भी जो टिप्स देना चाहते हैं, जो बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो भी अपनी तरफ से टिप्स देना चाहते हैं वो सर दे सकते हैं। देखिए, टिप्स यही है कि अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, एलिजिबिलिटी की बात मैंने बता ही दी कि आपका एटलीस्ट नेट होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और अगर आपका पीएचडी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तो बहुत अच्छी बात है। फिर रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, नेट के लिए आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आपका उस सब्जेक्ट पे पकड़ तो होगी, आप वो तैयार होगा। एक दूसरा जो होता है जीएस वाला पोर्शन, तो वही एक नई चीज होती है आपके लिए तैयारी के लिए, तो आप थोड़ा सा जीएस पे भी फोकस करिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ा होगा, और
जीएस का वेटेज है 30 मार्क्स, 30% है पूरा जीएस, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जीएस पे थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा यूजी पीजी पे हमने उसको पढ़ा है, नेट की प्रिपरेशन की होंगी उसके लिए पढ़ा है, पीएचडी में हमने पढ़ा है, तो वो सब तैयार रहता है ऑलमोस्ट सबका, और फिर वो तैयार होना भी चाहिए, वो तो आपका सब्जेक्ट ही है। दूसरा जो है, जिसके मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जीएस पे थोड़ा सा फोकस करिए, कि 30 मार्क्स का जीएस है वही आपको दूसरों से थोड़ा सा आगे आगे ले जाएगा। हाँ, तो इसी पे आपको काम करना होगा, बाकी सब्जेक्ट आप अपना सब्जेक्ट के लिए तो आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट से फेमिलियर ही होंगे, उसको अच्छे से तैयार करिए, और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर लेके, कि आपके सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिलेबस देखिए अपने सब्जेक्ट का, और जीएस का सिलेबस देखिए, जीएस का जैसे मैंने बता दिया क्या क्या चीजें होती हैं, तो उस हिसाब सबसे जरूरी है आप सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, तो और आपकी तैयारी का लेवल भी उससे पता चल जाएगा कि हाँ हमें कहाँ तक आ रहा है, कितना आ रहा है, और हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे चैनल पर देने के लिए। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।